हाय एवरीवन, इट्स मी ज़ोया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस बार ना वो कुछ यूँ रहा है कि मैंने पार्टिसिपेट किया है उर्दू स्पीच कंपटीशन में, क्योंकि पिछली बार मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड मुझे मेरी फर्स्ट पोजीशन है। क्लास में दोबारा से सिलेक्शंस हो रही हैं उर्दू स्पीच की, तो अब मैं दोबारा से पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो पिछली बार भी बाबा ने स्पीच लिखी थी और इस बार भी बाबा ने स्पीच लिखनी है, और मैं इतने दिनों से बाबा को कह रही हूँ स्पीच लिखते हैं स्पीच लिखते हैं, तो अब जाकर बाबा ने लिखी है स्पीच, मतलब अभी लिख रहे हैं वो स्पीच। और ये कहते हैं कल मैंने सबमिट करानी है और अभी मैंने उसमें से कुछ लाइन्स याद करनी है। टीचर कहते हैं शुरू की फर्स्ट टू लाइन्स आप याद कर आइएगा ताकि टीचर आपको सुने आपको कैसी है, पर मुझे तो लग रहा है मैं हो जाऊँगी सेलेक्ट, बिकॉज हर क्लास में से एक से दो बच्चे सेलेक्ट होंगे और हमारी क्लास में से इस बार मेरी सारी फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑलमोस्ट सारी, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अलग है मैं हो जाऊँ सेलेक्ट। अभी होगा क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल एंड देन फाइनल। तो अभी बाबा स्पीच लिख रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं कि बाबा स्पीच लिख रहे हैं। ये बाबा मेरी स्पीच लिख रहे हैं। ये क्या कहते हैं, मैंने इतने दिनों से बाबा को कह रही हूँ कि मेरी आपने स्पीच लिखना है, और बाबा अब जाकर संडे को लिख रहे हैं। कल आज लास्ट डे था और हमने लिखनी है सोशल मीडिया के असरात पर, और अब मैं इसके बाद बाबा प्रिंट करा कर इसे लाएंगे और फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी। और मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज इस मौजू पर मुझे लबकुशाई का मौका मिला है, वो है सोशल मीडिया के असरात। एक वक्त वो था कि दुनिया पर प्रिंट मीडिया का राज था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया और इस वक्त हम सोशल मीडिया के दौर में दाखिल हो गए हैं। कौमें वही तरक्की करती हैं जो वक्त के साथ अपने आप को ढा लेती हैं। बकौल इकबाल, वही जमाने की गर्दिश पे ग़ालिब आता है, वही जमाने की गर्दिश पे ग़ालिब आता है जो है नफ़ से करे उम्र जावदा पैर। सोशल मीडिया का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया को साथ में सतासा जमा करने के लिए। अभी अपनी प्रैक्टिस की स्पीच के लिए, बिकॉज कल हमारा होगा क्वार्टर फाइनल की सिलेक्शन, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरे स्पीच की प्रैक्टिस की है तो वो कैसी थी, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा, आप ज़रूर बताना, और मेरी मिस्टेक्स भी बताइएगा ताकि मैं उन्हें भी रिकवर करूँ। और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि मैं फ़ाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैंने फुल स्पीच याद कर ली है और इसमें भी मैंने दो शेर और ऐड करवाने बाबा से, तो दुआ कीजिएगा कि मैं फ़ाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ, और वो भी फिर आप सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस दुआ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीजिएगा और